अर्ली 90s में WCW प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री की एक इकलौती ऐसी कंपनी थी जिसने WWF के नाक में दम कर रखा था। यस, बिकॉज टेड टर्नर के WCW ने एरिक बिशप के हेल्प से केबल टीवी रेटिंग में WWF को 83 वीक्स तक कराया था, जिसके बाद WWF का सिचुएशन कुछ ऐसे बना था कि WWF कभी भी बंद हो जाए, क्योंकि WWF या कहीं WWE उस टाइम पे कई सारे इश्यूज में फंस गई थी, जिस वजह से WWE ने अपने पूरे प्रोडक्ट को चेंज करके WWE सिर्फ बच्चों को टारगेट करके कंटेंट प्रोड्यूस करने लगी। वहीं WCW 18 प्लस ऑडियंस को टारगेट करते हुए WWE के ऑडियंस को WWE से ही छीन रही थी, बिकॉज उस टाइम पे फैंस हार्डकोर रेसलिंग देखना चाहते थे जो उस टाइम पे सिर्फ WCW ही डिलीवर कर रही थी। बट WCW के एक मैसिव सक्सेस और कंपनी के ग्रोथ के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि टेड टर्नर को WCW को ईयर 2001 में WWE को सेल करना पड़ा? तो यही आज का टॉपिक है जिसपे हम आज डिस्कस करने वाले कि आखिर WCW को किल किया किसने। WCW के सक्सेस होने के पीछे अगर किसी का हाथ हो तो वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि एरिक बिशप ही थे। बट अगर WCW के डिक्लाइन होने के पीछे किसी का हाथ हो तो वो पर्सन भी एरिक बिशप ही थे, बिकॉज WCW के सक्सेस के बाद एरिक बिशप ने WCW के बड़े स्टार को पूरा क्रिएटिव कंट्रोल दिया था, लाइक हल्क होगन, केविन नैश एंड स्कॉट हॉल, जो अपने कैरेक्टर के साथ कुछ भी क्रिएटिव कर सकते थे। बट इन तीनों ही सुपरस्टार्स ने रिपीटेटिव एंड नॉनसेंस भरी स्टोरी लाइन रन की। वही WCW ने विंस रूसो को ईयर 1993 में हायर किया ताकि विंस रूसो कुछ फ्रेश आइडिया लेके प्रोडक्ट को और हाई लेके जाए। बट विंस रूसो तो और भी बड़े वाले निकले, बिकॉज उनकी बुकिंग स्टाइल एवरी टाइम कॉन्ट्रोवर्शियल एंगल्स लिया करती थी। वैसे जब विंस रूसो के बुकिंग स्टाइल से WCW का डिक्लाइन होना शुरू हुआ ही था, तब भी एरिक बिशप ने उस टाइम पे WCW के बड़े स्टार लाइक हल्क होगन, रैंडी सैवेज एंड रिक फ्लेयर पे इन्वेस्ट करना सही समझा। बट एरिक बिशप ना ही कोई न्यू टैलेंट बिल्ड कर रहे थे, ना ही न्यू टैलेंट को पुश दे रहे थे। जब WWE अपने शोज से सारे एरेना को फिल कर रहे थे, वही WCW भी उनके बिग कॉन्ट्रैक्ट स्टार लाइक हल्क होगन, केविन नैश, स्कॉट हॉल एंड गोल्डबर्ग इन सुपरस्टार के हेल्प से कई सारे शोज, पेपर व्यू एंड स्पेशल इवेंट कर रही थी। बट यहाँ प्रॉब्लम ये था कि WWE अब पूरी घुस चुकी है और WCW अब भी NWO की स्टोरी लाइन को रन कर रही थी, जिससे फैंस बोर हो चुके थे। फैंस मल्टीपल नंबर में WWE के साथ एंगेज होते गए और WCW के टिकट सेल्स कम होते गए, जिससे इवेंट शोज एंड स्पेशल इवेंट के स्टेज पे जो अमाउंट लगा था वो भी रिकवर नहीं हो पा रहा था, और ना ही WCW मर्चेंडाइज से कमा रही थी। वही WWE के पास उस टाइम पे चारों ओर से पैसे आ रहे थे, टिकट सेल, मर्चेंडाइज, WWE नेटवर्क एंड ब्रांड से WWE धीरे धीरे अमीर होती गई, और वही WCW का रेवेन्यू कम होते गए, जिससे WCW पूरी डेट में चली गई। ईयर 2001 के आते आते WCW की हालत कुछ ऐसी बुरी हुई कि रेटिंग तो गिर ही रही थी, बट ऑडियंस अटेंडेंस भी एकदम से कम हो गया, जिसके बाद टेड टर्नर ने भी अपने दोनों हाथ WCW कंपनी से बाहर निकल दिए। बिकॉज टेड टर्नर अपने सारे पैसे WCW में डाल के कंगाल नहीं होना चाहते थे, इसलिए टेड टर्नर ने WCW को सेल करने का प्लान बना दिया। वैसे एरिक बिशप उस टाइम पे कंपनी को परचेस करने में इंटरेस्टेड थे, बट टेड टर्नर एग्री नहीं हुए। लेटर टेड टर्नर ने बड़ी मुश्किल से मार्च 2001 में WCW के सारे राइट्स, WCW नेम, ब्रांडिंग, चैंपियनशिप एंड अदर एसेट्स सच एज टैलेंट एंड WCW की सबसे बड़ी वीडियो लाइब्रेरी WWF को $2.5 million में सेल की। वैसे WWF ने टेड को अगेन $1.8 million एज अ कॉस्ट कवर भी दिया, एंड जब टैली हुई तब पता चला कि विंस ने WCW के लिए टोटल $4.3 million टेड टर्नर को दिए। देखो, WCW को किल करने के पीछे किसी एक पर्सन को हम जिम्मेदार नहीं बोल सकते, बिकॉज एरिक ने तो अपना काम अच्छे से किया था। बट जब कोई कंपनी बड़ी होती है तो क्या क्रिएटिव ऑफिशियल्स, अगर उस टाइम पर WCW ने अपने प्रोडक्ट पे ठीक तरीके से ध्यान दिया होता तो आज WCW WWE से भी बड़ी कंपनी होती, बिकॉज WCW के पास वो सब था जो एक कंपनी को बड़ा करने के लिए चाहिए होता है। टेड टर्नर जैसा इन्वेस्टर, एरिक बिशप जैसा हेड एंड विंस रूसो जैसा बुकर, साथ ही टेड टर्नर के टीवी ब्रॉडकास्ट चैनल भी थे, और अच्छे टैलेंट्स एंड बड़े सुपरस्टार्स भी WCW में ही थे, बट किसी ने भी इसका फायदा नहीं उठाया। एनीवे, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना एंड वीडियो को लाइक कर ही दिया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपको एक न्यू वीडियो में विद न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन वॉच रेसलिंग फॉर द एंटरटेनमेंट, स्टे सेफ एंड एंजॉय योर लाइफ। गुड बाय।